हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल रेनवाल। आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम एंड ऑल्सो डूइंग स्टडीज ऑन टाइम। नाउ आफ्टर रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स improving the effectiveness of organizations and the individuals and team within them. Training and development refers to educational activities within a company created to enhance the knowledge and skills of employees while providing information and instruction on how to better perform specific tasks. Again, I repeat, training and development refers to educational activities within a company created to enhance the knowledge and skills of employees while providing information and instruction on how to better perform a specific task. So, according to your book, meaning dekhte hain hum yahan pe, training means equipping. Equipping means provide. Training means provide the employees with the required skill to perform the job. तो required skill आप जब recruitment करते हैं, selection करते हैं, तो आप उन एक candidate की qualification तो आप check कर लेते हैं, but अब हमारे according, हमारे organization के according जब उस person से या उस employee से हमें work करवाना है, तो हमें उन्हें क्या करना दे होगा, skills provide करनी होगी, skills हमें सिखाना होगा, उसको काम सिखाना होना होगा, इट मीन्स ट्रेन करना होगा। सो ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेक्टेड मैनर है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक एम्प्लॉय से कि वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करे, वो हमारे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, तो उस अकॉर्डिंग हमें क्या करनी होती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी होती है। सो ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइड द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। नाउ डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। बट उससे पहले हम देखेंगे कि ट्रेनिंग में टाइप्स क्या हो सकते हैं ट्रेनिंग के, कि ट्रेनिंग किस टाइप की ट्रेनिंग होती है। टेक्निकल हो सकती है, टेक्निकल ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग, स्किल्स ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो गई, लीगल टीम ट्रेनिंग्स हो गई, मैनेजरल ट्रेनिंग्स हो गई, सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रेनिंग, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स कि कैसे लीडरशिप करनी है। सो ये हमारे कुछ टाइप्स है, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं ट्रेनिंग के। सो नाउ डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज। इट फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज। इट फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग में हम उस पर्सन को सिखाते हैं कि कैसे काम करना है, किस अकॉर्डिंग आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेक्टेड मैनर हो उस अकॉर्डिंग आपको कैसे जॉब परफॉर्म करनी है। बट डेवलपमेंट में क्या होता है, एक एम्प्लॉयज़ का पर्सनल ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जाता है, मोटिवेशनल हो गया। डेवलपमेंट इज मच वाइडर इन कंसेप्ट एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग, एज ट्रेनिंग इज ऑनली वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक वाइडर पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, ट्रेनिंग सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। सो डेवलपमेंट इज मच वाइडर इन कंसेप्ट एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग, एज ट्रेनिंग इज ऑनली वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज और एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, सोशल कॉम्पोनेंट्स। अगेन आई रिपीट, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंजेस और एडिशनल ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, सोशल कॉम्पोनेंट्स। ओके, सो एग्जाम्पल है आपके पास में यहाँ पे, इफ एन अकाउंटेंट इज सेंट टू लर्न द न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट,
मोर फास्ट एंड एक्यूरेट। कोई आप मान के चलिए कोई अकाउंटेंट हमने हायर किया है, अब आपके सॉफ्टवेयर ये मान लीजिए टैली आपको सिखाना है उसको, तो आप उसको क्या करोगे, सिखाओगे कि कैसे एक्यूरेट वर्क करना है, कैसे फास्ट वर्क करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड इज ट्रेनिंग। ओके, नाउ इफ एन अकाउंटेंट इज सेंट टू लर्न द न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट मोर फास्ट एंड एक्यूरेट, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। वेयर एज इफ ही इज सेंट फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव हिज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, दैन दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ओके, नाउ नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या फिर हम बोलेंगे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले मैं बता देती हूँ, एक मोस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग मेथड होता है केस स्टडी। केस स्टडी आपने जैसे आपकी बुक्स में भी है, वो भी आपने देखी है। सो द केस स्टडी इज़ ए प्रूवन मेथड फॉर ट्रेनिंग इज नॉन टू इफेक्टिवली बूस्ट लर्नर मोटिवेशन। हाउ एवर वेन लर्नर्स लैक एक्सेस टू द रिसोर्सेज नेसेसरी टू कंप्लीटिंग ए केस स्टडी और इफ द प्रोजेक्ट बिकम ए चैलेंज, देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग विल बी हिंडर्ड। नाउ नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम, सेकेंड इज बेटर परफॉर्मेंस, थर्ड इज एटीट्यूड फॉर्मेशन, फोर्थ इज एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, फिफ्थ इज मैनेजिंग मैन पावर नीड, सिक्स्थ इज हेल्प टू अडेप्ट चेंजेस। सो फर्स्ट रिड्यूस लर्निंग टाइम, ए ट्रेन एम्प्लॉय takes less time in learning the job as compared to untrained employees. Obvious बात है कि एक trained employee ज़्यादा better work कर पाएगा untrained worker से या untrained employee से, क्योंकि आपने उसको skills सिखा दी, आपके organization के according आपने उसको training दी, उसको work करना बताया, और एक untrained employees के पास में आपके पास वो उस according skills नहीं है। So एक trained employee क्या करेगा, better work कर पाएगा, fast work कर पाएगा। So as a result, there is less wastage of resources and higher productivity in the organization. So wastage of resources कम होगा और productivity भी high होगी। Second is better performance. So the performance of trained employees is always better than the performance of untrained employees as in the training program. So their quality and capabilities are improved and employees get some experience of working on the job before they are actually assigned the job. This improves their performance and efficiently level. Because better performance तो होगी जब trained person है, कोई person technological भी बहुत trained है, fast worker है, और पहले से उसको बहुत अच्छे से skills, उसकी skills बहुत अच्छी है, communication skill अच्छी है, या overall हम कोई भी skill की बात करें तो वो बहुत अच्छी है, तो एक better perform तो कर पाएगा, वो productivity भी वही increase करेगा, efficiency level increase होगा। so better performance is best feature या best benefit of training and development for organization. now third is attitude formation. so the training and development aim at molding the employees so that they can develop positive attitude for the organization and to motivate them to be ready to take the initiative and result in better support and cooperation among the employees. आप time time पे जब उन्हें training या development करवाते हैं अपने employees का, तो वो लोग भी अपने organization के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं काम करने के लिए भी, उनको फिर ये नहीं लगता कि एक organization सिर्फ मुझे काम करना है, मुझे मेरी सैलरी लेनी है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन जाए भाड़ में। नहीं, आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उनको टाइम टाइम पे उनका ट्रेनिंग करवाते हैं, डेवलपमेंट होता है उनका, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाते हैं उनके लिए, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करवाते हैं, तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉइज़ का। सो नेक्स्ट इज फोर्थ इज एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। While performing various activities in the organization, the organization faces various problems such as problem of absenteeism, कि time staff जो है employees है बहुत ज़्यादा क्या रह रहा है, absent रह रहा है, wastage of resources, dissatisfaction of employees, lack of teamwork, etc. So आप field में, आपके organization में work करते हो तो operational level में बहुत सारी
प्रॉब्लम्स आती है लाइक एब्सेंटीज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, लेक ऑफ टीम वर्क एक्सेट्रा. तो सो थ्रू द सुपरवाइजरी लेवल ट्रेनिंग दीज ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड और रिमूव्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज सुपरवाइजर्स आर ट्रेन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड फॉर एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग देयर सबऑर्डिनेट्स. तो सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को अवॉइड करें, कैसे रिमूव करें, अवॉइड नहीं करेंगे, कैसे रिमूव करें और ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाया जाए. सो यू कैन अंडरलाइन दिस, थ्रू द सुपरवाइजरी लेवल ट्रेनिंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड और रिमूव्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज सुपरवाइजर्स आर ट्रेन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड फॉर एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग देयर सबऑर्डिनेट्स. नेक्स्ट इज, फिफ्थ इज मैनेजिंग मैन पावर नीड. सो सम ऑर्गेनाइजेशन हैज स्पेशलाइज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल. इन दैट केस द ऑर्गेनाइजेशन हायर अनट्रेन पीपल एंड ट्रेन देम विद द रिक्वायर्ड स्किल अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशन नीड. सो बाई ट्रेनिंग दे सॉल्व लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट. अब आपके पास में लेबर्स की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम है, बट आपका जो प्रोडक्शन है बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक प्रोडक्शन आपका, किसी भी प्रोडक्ट का बहुत यूनिक प्रोडक्शन है. सो आप किसी को नहीं आता तो वो नहीं कर पाएगा उस काम को. और आपके पास में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके पास में स्टाफ या एम्प्लॉयज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप जो अनट्रेन्ड पीपल्स हैं उनको स्किल्स रिक्वायर्ड करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे और अपना जो आप जो चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट रेडी करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज हेल्प्स टू अडैप्ट चेंजेस. ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू अडॉप्ट एनवायरमेंट चेंजेस. एनवायरमेंट चेंजेस मीन बिजनेस एनवायरमेंटल चेंजेस. तो जो बिजनेस एनवायरमेंटल चेंजेस में जो भी न्यू चेंजेस आते हैं, तो ये बहुत जल्दी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या होता है, कोई भी न्यू चेंज आया तो उससे रिगार्डिंग ट्रेनिंग आपने दी और हमने वो न्यू चीज़ लर्न की, वो न्यू चीज़ हमने सीख ली. सो हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस. सो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा. नाउ बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हुआ. ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ कि रिड्यूस लर्निंग टाइम बिकॉज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हुआ, प्रोडक्टिविटी हाई हुई, बेटर परफॉर्मेंस, एटीट्यूड फॉर्मेशन, एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम, मैनेजिंग मैन पावर नीड एंड हेल्प्स टू अडैप्ट चेंजेस. नाउ बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़. अब एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट्स है, देखिए, बेटर करियर ऑप्शंस. सो इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग ब्रिंग बेटर करियर ऑप्शन फॉर एम्प्लॉयज़. अब आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल चुकी है, आप बहुत ट्रेंड हो चुके हो, तो आपके पास में बेटर करियर ऑप्शंस है. आप कहीं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं तो आपके पास में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से आप ट्रेंड हो तो बहुत अच्छे से आप वर्क कर पाएंगे. सेकेंड इज अर्निंग मोर, है ना. सो इम्प्रूवमेंट इन एफिशियंट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू अर्न मोर. आपके पास जितने अच्छे स्किल्स होंगे, उतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपको उसी अकॉर्डिंग आपका सैलरी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है या दी जाती है. थर्ड इज बूस्ट अप द मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़. ट्रेनिंग इंक्रीजेज द सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़. येस, आप अच्छे से ट्रेंड है तो आपकी इंक्रीज होगा, सेटिस्फैक्शन होगा, एक अलग एक मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़. लास्ट इज लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉयज मोर एफिशियंट, सो देर आर लेस चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स. ओके, सो फर्स्ट इज बेटर करियर ऑप्शन, अर्निंग मोर, बूस्ट अप देन मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज, लेस चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स. ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों चीज़ देखा. डेवलपमेंट इज अ वाइडर पार्ट एंड ट्रेनिंग उसी डेवलपमेंट का एक बहुत छोटा सा पार्ट है. सो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सीरियल नंबर, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो कंसेप्ट देखिए, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज कंसर्न विद टीचिंग एंड टेक्निकल स्किल ओनली. आप सिखाते हैं वहाँ पे कि कैसे काम करना है, किस अकॉर्डिंग टेक्निकल स्किल प्रोवाइड करनी है, बहुत सारी स्किल्स है जो प्रोवाइड करनी है. डेवलपमेंट इज कंसर्न इन टीचिंग टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल, कि हाउ टू इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय. Suitability, training is more suitable for technical staff. Yes, development is more suitable for managerial staff.
टेक्निकल स्टाफ को आप जो बिजनेस एनवायरनमेंट में डेली न्यू चेंजेस हो रहे हैं, तो आप टेक्निकल आपको स्किल उनको प्रोवाइड करनी होगी, न्यू जो भी टेक्निक्स आ रही है वो प्रोवाइड करनी होगी. नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर, ट्रेनिंग कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डेवलपिंग द स्किल ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द एम्प्लॉयज़, एंड डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ हिडन क्वालिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़. हिडन क्वालिटीज़ क्या क्या है, एक ऑरिएंटेशन प्रोग्राम होता है उसमें हम क्या चेक करते हैं कि और क्या क्या क्वालिटीज़ है एक पर्सन की, एक एम्प्लॉय की. मैथड्स यूज इन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब मैथड ऑफ ट्रेनिंग आर प्रेफर्ड, इन डेवलपमेंट ऑफ द जॉब मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर प्रेफर्ड. तो हम ऑन द जॉब ऑफ द जॉब मैथड्स देखेंगे, उसके बाद में आप इस डिफरेंस को क्लैरिफाई कर सकते हो. फोकस या पर्पस, ट्रेनिंग फोकस ऑन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट फोकस ऑन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. टाइम, ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ट्रेनिंग आपकी होता ना कि एक दिन की ट्रेनिंग है, 3 hours की ट्रेनिंग है, 2 days की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, तो उसमें क्या होता है आपको सिर्फ एक वर्क करना सिखाया जाता है, ऐसा थोड़ा ना एक एक महीने. हाँ ये भी हो सकता है 3 months की ट्रेनिंग हो गई. इंटर्नशिप वाली चीज़ अलग होती है, उसमें भी हम एज ए सिखाते ही हैं कि क्या काम कैसे करना है. सो आपका ये डिपेंड करता है कि किस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग क्या है, किस टाइप की ट्रेनिंग है. 1 day की भी होती है, 2 day की भी हो गई होती है, मंथली भी होती है, मंथ अकॉर्डिंग, जैसे 3 month की हो गई, 4 month की हो गई, 2 month की हो गई, 1 month की हो गई. सो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि 5 साल तक ट्रेनिंग ही दे रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 month या 3 month, उससे ज़्यादा आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी. एज ए आपको वर्क एज ए एम्प्लॉय आप वहाँ वर्क कर रहे हैं तो 1 month लास्ट है. सो इट इज़ अ लॉन्ग डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. इनिशिएटिव, द बॉस या सुपीरियर इन द ट्रेनिंग, द बॉस एंड सुपीरियर टेक्स इनिशिएटिव्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू हिज सबॉर्डिनेट्स. एंड इन डेवलपमेंट द इंडिविजुअल टेक्स इनिशिएटिव हिमसेल्फ फॉर हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ड्यूरेशन, ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इट्स ड्यूरेशन इज फिक्स्ड एंड सर्टेन, ओके. एंड डेवलपमेंट, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसीजर, इट्स ड्यूरेशन इज नेवर डिफाइंड. कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते. मोटिवेशनल आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम या आपका पर्सनल ग्रोथ तो इंक्रीज करनी ही करनी है. कभी भी आप बहुत ज़्यादा हो सकती है कि हाँ पर्सनल ग्रोथ आपको कैसे इंक्रीज करनी है वो भी हमें पता होनी चाहिए कि हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. हमारा कम्युनिकेशन स्किल ऐसा तो नहीं है, आज डेली चेंजेस आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं बेटर वे में उसको परफॉर्म, किसी भी वर्क को और बेटर वे में परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या हमारी स्किल इंक्रीज हो रही है, वो हमारी पर्सनल ग्रोथ, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप्ड हो रही है. लेवल ऑफ ट्रेनीज इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग, इट इज़ यूजफुल फॉर नॉन मैनेजर, दैट इज़ ऑपरेशनल ऑपरेटिव एम्प्लॉयज और लोअर लेवल मैनेजर्स. इट इज़ यूज फॉर मैनेजर पर्सोनल लाइक दैट इज़ मिडिल एंड टॉप लेवल मैनेजर्स. सो डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट इसके लिए है ज़्यादा, मैनेजर मिडिल एंड टॉप लेवल के लिए. एंड ट्रेनिंग्स होती है किसमें ज़्यादा, ऑपरेटिव एम्प्लॉयज और लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज. सो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन किया जाता है वो किस में रिक्रूट किए जाते हैं, वो लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल में सबसे ज़्यादा, जो फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो सकते हैं हम बोले तो. और उसमें क्या है, टॉप लेवल पे ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो वो है, उसका अच्छे से वर्क हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. सेंटर्ड, तो इट इज़ अ वर्क सेंटर्ड, इट इज़ अ पर्सन सेंटर्ड, ओके. नाउ ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन में डिफरेंस यहाँ पे बता रहे हैं, वो देखते हैं. बेसिस है मीनिंग, तो आपको मीनिंग पता है ट्रेनिंग एजुकेशन और डेवलपमेंट की, तो वो आप मीनिंग वहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू योर बुक, ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल फॉर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब. एजुकेशन is concerned with improving the general knowledge and understanding of employee. Development, it is the process for the overall growth of employee for future management tasks and increased difficulty and scope. Orientation, training is job oriented, education is knowledge oriented, and development is a career oriented. Focus, it is training फोकस इज टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हो, एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज कैसे हो. एजुकेशन फोकस इज टू डेवलप लॉजिकल एंड रैशनल माइंड. एंड डेवलपमेंट
इट्स फोकस इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ओके, एंड लास्ट इज गोल. ट्रेनिंग गिव्स इम्पॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड डेवलप. एजुकेशन गिव्स इम्पॉर्टेंस टू गोल ऑफ इंडिविजुअल्स, कि आपके अकेले की क्या है एजुकेशन, क्या है, क्या क्वालिफिकेशन, आप कैसे नॉलेज ले रहे हो, किस अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो. डेवलपमेंट गिव्स इम्पॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज इंडिविजुअल गोल्स. ओके, नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग आपने देख ली. फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिड्यूस लर्निंग टाइम, बेटर परफॉर्मेंस, एटीट्यूड फॉर्मेशन, हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, मैन पावर नीड, हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस. एंड फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, बेटर करियर ऑप्शन, अर्निंग मोर, बूस्ट अप देन मॉरल, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. सो वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो. उससे पहले आपको क्या करना है, आपको केस स्टडीज जितनी भी है वो सॉल्व आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए कंप्लीट. और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट. ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल.